नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री एनसीएंट हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें रामशरण शर्मा जी के बुक से मैं पढ़ा चुका हूं। और आज का जो अपना चैप्टर है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे एनसीएंट हिस्ट्री में कोई सा भी नहीं है। यानी कि एनसीएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया तो आपने एनसीएंट हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप बीपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, एसआई का एग्ज़ाम ले लीजिए, ग्रुप सी का ले लीजिए, ग्रुप डी का ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो भारत में, इसके बिना अछूता रहता है वो। और संभव ही नहीं है कि इसमें से सवाल ना आए, कभी भी ये चीज़ छूटता ही नहीं है, है ना। तो उसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इस शब्द को सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कांस्ययुगीन का क्या तात्पर्य है कि इस युग में आपको कांसा दिखेगा, तांबा दिखेगा, सोना भी थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, लेकिन आपको क्या नहीं दिखेगा, एक चीज़ नहीं दिखेगा, वो है लोहा। लोहा आपको इस समय में नहीं दिखेगा। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बसावट वाला शहर है, जो आज से 5000 वर्ष पहले बनाए गए थे लगभग में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले जब दुनिया चलना फिरना सीख रही थी, कपड़े पहनना सीख रही थी, उस समय दुनिया में एक भारत में एक जगह है जहाँ पर पूरा पूरा सभ्यता डेवलप हो गया था। और वहाँ के भवन निर्माण, वहाँ के जो शहर निर्माण की प्रणाली है वो इतनी उन्नत थी कि आज भी उस तर्ज पर शहर बनाए जाते हैं। और इतने उन्नत शहर का स्थापना बिना गणित के नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है शहरों को स्थापित करने में, मापने में कितना चौड़ाई होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, भवन निर्माण, इन सभी इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि उन लोगों को ज्ञान विज्ञान के भी थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग डिटेल बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। और वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त करने की कोशिश करूँगा। एंशियंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, ओके। सबसे पहले इसका भौगोलिक विस्तार हम लोग समझेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे, पीटी और मेन सभी के फैक्ट को पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक बस आप पढ़िएगा, अंत तक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। कोई ज़्यादा बड़ा बोर्ड वोर्ड अपने पास है नहीं कि मैं पढ़ाऊँ, जो अपने पास है उसमें मैं सबसे बेस्ट कंटेंट देने की आपको कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, भौगोलिक विस्तार सबसे पहले, सिंधु या हड़प्पा संस्कृति, लेकिन वर्तमान समय में ये पहले का है, लेकिन वर्तमान समय में जितने रिसर्च हुए उसमें इसको क्या कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद भारत के बाद अधिकांश जो इसके बड़े शहर थे वो सारे के सारे पाकिस्तान में रह गए, तो रिसर्च करना बड़ा ही मुश्किल हुआ। तो फिर बाद में हमने अपने ही देश में रिसर्च किया तो वर्तमान का राजस्थान के घग्घर, घग्घर नदी जो है उसके इलाकों में हमें बहुत सारे बसावट किसके मिले, तो हड़प्पा सभ्यता के मिले। और घग्घर नदी को माना जाता है कि पुरानी वैदिक कालीन सरस्वती नदी यही थी, सरस्वती नदी यही थी, नदीतमा जिसको कहा गया है वो सरस्वती नदी पवित्र यही थी, इसलिए उसको आजकल के समय में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, ओके। ध्यान रखिएगा, सभ्यता और संस्कृति में आपको फर्क समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनेकों ताम्र प्राशनिक संस्कृतियों से पुरानी है, जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं ज़्यादा उन्नत अवस्था में थी। ये एक छोटा सा शहर है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो नेशनल म्यूजियम जरूर जाइएगा, वहाँ पर बहुत ही डिटेल आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में मिलेगा। देखिए क्या है, अधिक विकसित थी इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यानी कि अगर मैं छोटा सा भारत बनाऊं तो इसके पश्चिमोत्तर भाग यानी कि इस इलाके में हुआ, यानी कि पंजाब पाकिस्तान से शुरू कीजिए, पाकिस्तान के सिंध तक आ जाइए, वो जिसमें कराची है जिसकी राजधानी, और अपने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आ जाइए, नीचे राजस्थान और गुजरात तक में आ जाइए, ये पूरा का पूरा इलाका क्या था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। और इसका अगर विस्तार आप देखेंगे, इसका विस्तार कुछ कुछ इस तरीके का है, कुछ कुछ विस्तार इसका इस तरीके का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि त्रिकोण, जो आपका त्रिभुज होता है, त्रिभुजाकार में इसका विस्तार है पूरा का पूरा, इस तरह से इसका विस्तार है, इस तरह से इसका विस्तार है, ओके। यहाँ पर आपको पाकिस्तान का कराची का इलाका दिखेगा, सिंध का इलाका दिखेगा, यहाँ पर आपको गुजरात दिखेगा, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ के पास का इलाका दिखेगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, मांडा है इसकी सीमा, मांडा है, और नीचे यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर इसका दैमावाद सीमा मानते हैं, दैमावाद सीमा मानते हैं इसका, यहाँ पर आपका
कहाँ हो जाएगा, यूपी में है एक जगह वो इसकी सीमा है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर है वो इसकी सीमा होती है। तो इसकी सीमाओं को भी आगे मैं बताऊँगा डिटेल में, इतना डिटेल में आपको बताऊँगा कि आज के बाद आपको हड़प्पा पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ध्यानपूर्वक आज पढ़ा तो। घंटे भर का लेक्चर होगा, मुझे परवाह नहीं है क्योंकि मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी पढ़ाता हूँ। देखिए इसका नाम, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका सबसे पहले पता 1921 से पाकिस्तान के प्रांत अवस्थित हड़प्पा नामक जगह पर हुआ। हुआ क्या, भारत में अंग्रेजों के ज़माने में रेल बिछाए जा रहे थे, तो यही रेल बिछाने का काम कहाँ पर चल रहा था, तो पाकिस्तान में हड़प्पा नामक जगह पर रेल बिछाने का काम चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने जब वहाँ पर खोदना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि पूरा नीचे से ईंट ही ईंट निकल रहा है, और आपको पता है कि वहाँ पर हज़ारों वर्षों से ये शहर दबे हुए थे, वहाँ के लोगों को मिट्टी में से ईंटें मिलती थी, तो वहाँ के लोग उखाड़ उखाड़ कर ले जाकर उन्होंने सारा का सारा घर बनाने में हड़प्पा की ईंटों का उपयोग कर लिया, और वो ईंट इतने मजबूत कि 3000 वर्ष के बाद भी वो काम के थे। तो रेल बनाते समय, रेल का पटरी बिछाते समय ईंट मिला, और वर्तमान में उस जगह का नाम है हड़प्पा। ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक कोई स्टेशन था, नहीं, हाँ, वर्तमान में जिस जगह पर खुदाई हुई उसका नाम है हड़प्पा, इसीलिए उसको नाम दे देगा हड़प्पा सभ्यता। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिंध के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पाई संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र बने, परिणाम स्वरूप यह वह संस्कृति परिवक्त होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणत हुई। सिंध जो वर्तमान में कराची का भाग है, वर्तमान में कराची जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर क्या बना, तो हड़प्पा से पहले के बहुत सारे सभ्यता हमें छोटे 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 मिलते थे, यही जब परिपक्व हो गए तो कौन सी सभ्यता का विस्तार हुआ, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी इसलिए कहा था क्योंकि सिंधु का जो नदी है उसकी सहायक नदी और सिंधु नदी के तट पर स्थित इसके प्रमुख शहर हैं, जैसे मोहनजोदारो का नाम आता है, जैसे और भी बहुत सारी नदियों का नाम आता है। ओके, इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है, यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की तरफ से हुआ। देखिए अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर हम लोग हैं दक्षिण और पूर्व की तरफ में, जैसे अगर ये भारत बनाऊँ मैं तो यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, यहीं से यानी कि यहाँ पर इसका विस्तार हुआ, तो यहाँ से दक्षिण और पूर्व की तरफ में इसका बढ़ना शुरू हो गया इस सभ्यता का। ओके, इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब सिर्फ जब मैं बोलूं तो इस पंजाब को केवल अपना पंजाब मत मानिएगा, इस पंजाब में पाकिस्तान के लाहौर को भी सम्मिलित कीजिएगा, क्यों, क्योंकि पूरा पंजाब ही हमारा था, और ये आज़ादी से पहले की बातचीत यहाँ पर हो रही है, आज़ादी के बाद पाकिस्तान में ये सब जगह गई हैं, जब खोजा गया तब ये भारत का ही हिस्सा था। सिंध हो गया आपका कराची वाला, बलूचिस्तान थोड़ा सा ऊपर चले जाइए कि भाग ही नहीं बल्कि गुजरात अपना वर्तमान वाला, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग तक कौन सा फैलाव है, तो हड़प्पा सभ्यता का फैलाव है। ये इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं हम लोग, और भौगोलिक विस्तार से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, नदियों से लेकर अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है, तो अभी मैंने बताया आपको, पूरा पूरा त्रिभुज दिखेगा आपको। ओके, और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। एक बार तो यही पूछ लिया था किसमें, तो PCS वालों ने पूछ लिया था कि इसका विस्तार कितने लाख किलोमीटर का, तो अब नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लग रहा पूछेगा तो बेवकूफ़ होगा। यह क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी निश्चय ही बड़ा है। वर्तमान का पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है जितने बड़े में हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना बड़ा नहीं था। और सबसे बड़ी खासियत, जो माप तौल के पैमाने हमें पाकिस्तान में यहाँ पर मिलते हैं लाहौर के समीप में, वही माप तौल के पैमाने हमें हरियाणा बनावली के समीप भी मिलते हैं, हमें गुजरात में भी मिलते हैं, यानी कि एकीकरण था इनमें माप तौल को लेकर, मुद्राओं को लेकर, और जो छोटे छोटे बाट बनाए जाते थे उनको लेकर एकीकरण था। ईंट भी कई जगहों पर एक ही माप तौल के मिले हैं, एक ही लंबाई चौड़ाई के ईंट भी हमें मिले हैं, यानी कि एकीकरण हुआ था इनका, और ये पूरा एक ही सभ्यता का विस्तार था समुचित रूप से। ओके, अब तक इस उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है। अब आप स्थल रटिए, देखते हैं आपकी कितनी रटने की ताकत है, 1500 स्थल को रटते रहिए, जैसे आप ऑनलाइनर में रटते रहते हैं कि हड़प्पा में कौन कौन से स्थल हुए, कहाँ कहाँ, किस किस नदी के किनारे हैं, रटिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, तो हड़प्पा का स्थल आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति के आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के, कुछ उत्तर अवस्था के, यानी कि पहले हड़प्पा से पहले वाले कुछ संस्कृतियां भी यहाँ पर हैं जिसको हड़प्पा का प्रारंभिक कहा जाता है, कुछ परिपक्व को माना जाता है जिसमें हड़प्पा मूल रूप में अपने चरम पर पहुँच गया, और कुछ उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा का जब पतन हो रहा था उस समय के स्थल भी हैं। उनमें केवल 7 को ही नगरों की संज्ञा दी गई है, 7 को नगरों की संज्ञा दी गई, कौन कौन से 7 हैं, इनमें से 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, अर्थात प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या तात्पर्य होता है,
प्रेतों का टीला, प्रेत प्रेत जानते हो, भूत प्रेत वाला प्रेत, वही उसी का टीला। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर हैं। एक है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, और आपका ये कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो, तो ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ओके, लेकिन ये दोनों बड़े शहर जो ये जुड़े हुए हैं किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं। हड़प्पा किसके किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, और ये मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के किनारे है। तो यानी कि ये नदी मार्गों के द्वारा ये दोनों शहर जुड़े हुए थे। क्लियर हो गया। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चन्हुदरो स्थल पर है, और चौथा नगर गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल है स्थल पर है। पाँचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियों वाला है। छठा नगर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। कालीबंगा के तरह इसमें भी दो सांस्कृतिक अवस्थाएं देखी गई हैं। कहां पर, कालीबंगा और हरियाणा का जो बनावली है इसमें दो अवस्थाएं देखी जाती है संस्कृति की, एक हड़प्पा से पूर्व का और एक हड़प्पा कालीन का। यहां पर कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि हड़प्पा से पहले भी यहां पर लोग रहते थे और हड़प्पा के समय भी लोग रहते थे। इतिहासकारों के ऐसे प्रमाण कहां कहां से मिले हैं, तो बनावली और कालीबंगा से ये हमें प्रमाण मिले हैं। बनावली हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। ओके, आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कच्ची ईंट के चबूतरे, यानी कि ऐसे ईंट जिनको पकाया नहीं गया है, कच्ची ईंट के चबूतरे, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन है। इन छह स्थलों पर परिपक्व व उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। परिपक्व का मतलब पूरा शहर जो बसा हुआ है ये परिपक्व रूप में बसा हुआ है और अपने चरम पर बसा हुआ है ये शहर। सुतकांगेडोर और सुरकोटता के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति का परिपक्व अवस्था दिखाई देता है। सुतकांगेडोर और सुरकोटता से संबंधित 2020 UPSC PT में सवाल पूछा गया है, सॉरी 2019 UPSC PT में पूछा गया है कि निम्न से कौन सा हड़प्पा यह स्थल है, इसी तरह का एक सवाल आया था 2019 UPSC PT में, यही पूछा गया है जो आपको मैं NCERT में अभी पढ़ा रहा हूँ, वही पूछा गया है। और आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप बोलोगे कहाँ से कठिन सवाल पूछे, यहीं से पूछा जाता है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। नगर दुर्ग का क्या तात्पर्य होता है कि नगर जो है एक दुर्ग के माध्यम से घिरा हुआ था। दुर्ग का मतलब होता है ऊंची दीवार के माध्यम से किलेबंदी की गई थी, बस। ओके, इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धौलावीरा में भी किला है, और इस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। धौलावीरा में तीनों मिलती हैं, यानी कि हड़प्पा से पहले का भी मिलता है, हड़प्पा का भी मिलता है और हड़प्पा के बाद का भी मिलता है। तीनों संस्कृति हमें कहाँ पर मिलती हैं, तो धौलावीरा जो गुजरात में एक जगह है वहाँ से मिलती है। धौलावीरा में जल प्रबंधन का भी सबसे बेहतरीन उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो धौलावीरा से भी हमें जल प्रबंधन का उदाहरण मिलता है। और इस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। ये तीनों अवस्थाएं राखी गढ़ी में भी मिलती हैं, और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी को ही कुछ दिन पहले घोषित किया गया था, सबसे बड़ा स्थल इसको घोषित किया गया था, राखी गढ़ी को। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल किसको घोषित किया गया था, राखी गढ़ी को। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के कठियावाड़ा प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों पर पाई। उत्तर हड़प्पा का मतलब होता है जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था तब एक शहर विकसित हो रहा था और वहां पर लोग रह रहे थे, वो कौन सा शहर था, तो रंगपुर ये गुजरात में है, और रोजदी भी एक कहां पर है, तो गुजरात में है। यहां से हमें मिले हैं उत्तर हड़प्पा के हमें साक्ष्य मिले हैं, यानी कि भौगोलिक विस्तार एक आपको पता चल गया कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये वर्तमान के जम्मू कश्मीर मांडा जो जगह है जम्मू कश्मीर में, वो हड़प्पा की उत्तरी सीमा मानी जाती है। ये तो क्लियर हो गया होगा, हड़प्पा की उत्तरी सीमा मांडा को माना जाता है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद को माना जाता है। दैमाबाद कहां पर, तो वर्तमान के महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा माना जाता है आप पूर्वी आलमगीरपुर को माना जाता है, आलमगीरपुर वर्तमान के मेरठ के पास है अपने पश्चिमी यूपी में, यानी कि दिल्ली के बगल में है। आलमगीरपुर को पूर्वी माना जाता है, और पश्चिमी सुतकांगेडोर ये वर्तमान के ईरान सीमा के पास स्थित पंजाब में एक जगह है, सुतकांगेडोर जो ऊपर आपको दिखाया यही है जगह। ऊपरी हो गया मांडा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर। ये पूछा गया है, आपको लग रहा हो क्या बता रहा हूँ मैं बार बार। ये नीचे दैमाबाद, ये गोदावरी नदी के तट पर है, ये भी पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए छोड़िए, नगर योजना और संरचनाओं पर हम लोग आ गए। ये हड़प्पा का अगर एक विशेषता पूछा जाए आपसे तो कहीं पर भी, तो इसको चिपका कर आ जाइएगा, नगर नियोजन और जल प्रबंधन, नगर नियोजन जल प्रबंधन, ये सब जगह लिख के आना। हड़प्पा की चर्चा हो तो नगर नियोजन है ना, नगर कैसे, तो सड़कें बनी हुई, सड़क के बगल में नालियाँ बनी हुई, ये आज की बात नहीं हो रही है। आज के आपके नगर जो होते हैं उसमें सुअर घूम रहे होते हैं, नालियां बह के घरों में आ रही होती है, ये आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है, आज से कम 4000 साल पहले की बात हो रही है। उस समय में इतने व्यवस्थित तरीके से नगर बनाए गए थे, तो व्यवस्थित नगर को व्यवस्थित करने के लिए लोग भी चाहिए, यानी कि प्रबंधन भी था, मैनेजमेंट सिस्टम भी था नगर को मैनेज करने के लिए, यानी कि प्रशासन तंत्र भी बनाए गए थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी खड़ा किया गया था,
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बिना इतना सुंदर शहर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको प्रबंधन करने के लिए लोग भी तो चाहिए, प्रबंधन करने वाले लोगों का खर्चा उठाने वाला एक अर्थतंत्र भी होना चाहिए, एक इकोनॉमी भी वहाँ पर छोटी मोटी होगी जो क्या कर रही होगी, इन सभी का मेंटेनेंस से लेकर इनको बनाने तक का खर्चा उठा रही होगी। अब मुझे बताइए, इतिहासकार बोलते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इसमें कभी भी इतिहासकार ये नहीं चर्चा करते कि बिना उन्नत गणित के, बिना उन्नत मैथमेटिक्स के कैसे इतना बड़ा नगर बन गया था, बिना उन्नत हाइड्रोलिक्स की जानकारी के, हाइड्रोलिक्स का मतलब होता है जल वगैरह या हवा वगैरह की जानकारी के, इतना सुंदर जल प्रबंधन कैसे बन सकता था, मुझे बताइएगा जरा। बिना उन्नत सिविल इंजीनियरिंग के इतना बेहतरीन नमूना बन ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका नगर है, इसमें अजीबोगरीब दिख रहा होगा लेकिन ये बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। नगर जो बनाया जाता था सामान्यतः, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे ये मान लीजिए पूरा दुर्ग मैंने बना दिया, घेर दिया, इसको घेर दिया मैंने। अब ये है ईस्ट, यानी कि सूरज यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जाता था पश्चिम में, इसको कहा जाता था ऊंचा टीला या ऊंचा जगह रहता था जहाँ पर कौन रहते थे। माना जाता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं हमारे पास, ऐसा मानते हैं कि प्रशासक और नगर में शासन करने वाले जो लोग होते थे यहाँ ऊंचे टीले पर रहते थे। यहाँ पर ये निचला घर टीला है, क्योंकि ऊंचा टीला अगर हम लोग पूरब में बना देंगे तो पूरा पश्चिमी भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसको ठीक पश्चिम में बनाते थे। और यहाँ पर सामान्य निवासी लोग यहाँ पर रहते थे, और एक मुख्य रास्ता होता था जो ऊंचे टीला से शहर के बाहर तक जाती थी, और इसको दुर्गीकृत किया जाता है, यानी कि ऊंचे टीले को दो बार घेरा जाता था और बाकी जगहों को एक बार घेरा जाता था। लेकिन लोथल इसका एक अद्भुत उदाहरण है, जहाँ पे पूरे शहर को एक ही दुर्ग से घेर दिया गया है। अब इसे जल प्रबंधन का क्या तात्पर्य है, सामान्य तौर पर इनके बगल से एक नदी गुजर रही होती थी, तो उस नदी से शहर में पानी आता है, और वो पानी अगर बाढ़ के रूप में भी आएगा तो इस प्रकार से जल प्रबंधन बनाया जाता था कि पूरे शहर में घूमने के पश्चात शहर में अलग अलग हौज बनाए जाते थे, टैंक बनाए जाते थे, तो उन टैंकों को भर देता था ये पानी, और उससे भी बच गया तो ये पानी जो है वो बाहर चला जाता था अपने आप ही। जो शहर में सड़कें होती थी, सड़क के ठीक किनारे नालियाँ बनी होती थी, जो छोटे छोटे आवास होते थे लोगों के, किसी भी आवास का जो गेट है वो मेन सड़क की तरफ में नहीं खुलता था। दो मंजिला आवास भी होते थे, एक मंजिला आवास भी होता था, लेकिन किसी भी आवास का गेट जो है वो सड़क की तरफ में नहीं खुलता था। आज लगभग सारे भारतीयों का गेट जो है वो मेन सड़क की तरफ ही खुलता है। तो ये मैं आपको कब का बता रहा हूँ, ये हड़प्पा का उस समय का बता रहा हूँ। और एक काम करने वाले लोग जो होते थे, एक तरीके के काम करने वाले लोग, वो सामान्य तौर पर एक जगह पर निवास करते थे। ये तो आज भी होता है अपने भारत में कि बढ़ई लोगों का घर एक ही जगह पर होता है, और मान लीजिए पंडित लोग हैं तो उनके घर एक ही जगह पर होते हैं, क्षत्रिय हैं तो उनके घर एक ही जगह पर लगभग में होते हैं। ये सिस्टम उस समय भी लागू था। ये सब कुछ क्लियर हो रहा है, ओके। ऐसा ही उनका शहर बनाया गया, यानी कि मॉडर्न शहर आज अगर आप सोचेंगे तो कुछ कुछ इसी तरीके का सोचेंगे आप। और शहरें जो थी उन्होंने सड़कें सीधी बनाई गई थी, सड़क सीधी होने से क्या तात्पर्य होता है, उनको साफ सुथरा रखना, उनको मेंटेन करना, उस पर चोरी चकारी, क्राइम, लाइटें लगाना, रोशनी करना, ये सब कुछ आसान होता है जब सड़कें सीधी होती है तो, ठीक ना। सड़कें ज़्यादा गलियों वाले होते हैं तो वहाँ पर अक्सर क्राइम बढ़ जाते हैं, ओके। तो ये सब कुछ शहर के बारे में था। अब आगे पढ़ते जाते हैं, आपको कुछ भी पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। ग्रिड का मतलब होता है समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, यानी कि एक सड़क अगर ऐसे जा रही है तो एक सड़क ऐसे काट रही है, ये चौराहा हो गया, इसी को समकोण वाली सड़क कहते हैं, ग्रिड वाली सड़क कहते हैं। नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर होता था। निम्न स्तर का मतलब निम्न क्या है, अब संरचना में निम्न है, वो ऊंचे जगह पर बनाया जाता था दुर्ग, और नीचे जगहों पर सामान्य लोग रहते थे। जहाँ ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे, इन नगरों में भवन के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल या ग्रिड के तरह व्यवस्थित होते थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। नगर अनेक खंडों में विभक्त होता था। नगर जो होता था, अलग अलग ब्लॉक्स बने होते थे इसमें, नगर में अलग अलग ब्लॉक्स बने होते थे नगर में, ओके। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी। जितने भी सिंधु सभ्यता में बस्ती हैं, चाहे वो पंजाब से लेकर गुजरात तक में हैं या यूपी से लेकर आपके सुतकांगेडोर तक में हैं, सभी बस्तियों में यही प्रणाली लगभग में लागू होती थी। सभी में एक समान संरूपता थी। देखिए क्या है, बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता है। दूसरा तो भवनों और में और भी समृद्ध है, यानी कि मोहनजोदड़ो है ये तो सबसे उन्नत शहर था किसका, तो हड़प्पा सभ्यता का, ओके।
उनके स्मारक बतलाते हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने कर संग्रह में परम कुशल थे, यानी कि बनाने के लिए मजदूर भी चाहिए और मजदूर के पैसा भी तो देना पड़ेगा, यानी उनके पास कर प्रणाली भी अच्छी थी, आर्थिक प्रणाली भी उनकी बहुत अच्छी थी। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोगों को भी लगता होगा कि इनके शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो स्नानागार है कि क्या है वो किसी को नहीं पता, बस एक बड़ा सा है वो जगह है जिसमें वो जो पानी भर के रखा जाता था, वो पानी किस लिए रखा जाता था, पीने के लिए रखा जाता था या बाढ़ से बचाने के लिए था या स्विमिंग पूल था या क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन स्नानागार बहुत सारे लोग मानते क्योंकि इसके बगल में छोटे छोटे बाथरूम भी बनाए गए कपड़ा चेंज करने के लिए। आप समझ जाइए कब की बात हो रही है, ये आज से 4000 वर्ष पहले की बात हो रही है। आज भी आपके अगल बगल में जो नहाने वगैरह के जगह होंगे वहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा नहीं होता है, लेकिन ये 4000 पहले का शहर है और अपने पूर्वजों द्वारा बनाया गया, तो थोड़ा सा हमारे नए शहर बनाने वालों को थोड़ा शर्म हो लाज हो तो आप सीख सकते हैं। यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए छोटे 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 घर बनाए गए हैं जिनमें आप आराम से कपड़े बदल सकते हैं, ऐसा मानते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है सिंगल रूप में वो यही है, स्नानागार सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो में बना हुआ है ये। और ऐसा मानते हैं कि पवित्र स्थान जैसे सनातन धर्म में होता है कि गंगा स्नान करना या तालाब में नहाने के लिए लोग पूजा पाठ करने के लिए नहाते हैं, तो उसी प्रकार से पवित्र स्थान के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ऐसा मानते हैं, हमें पता नहीं है, ऐसा मानते हैं। ओके, मोहनजोदड़ो का स्नानागार है जिसका जलाशय दुर्ग के टीलों में है। कहाँ पर है, तो दुर्ग के टीलों में है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यहाँ 11.8 मीटर लंबा, ये 11.8 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है, गहराई भी खूब है, 2 मीटर ज़्यादा। दोनों सिरों पर तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बगल में कपड़े बदलने के कमरे बने हुए हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है, स्नानागार जो है उसका फर्श पक्की हुई ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है, इसमें पानी निकालकर हौज में डाला जाता होगा। कुएं से कहां पर कनेक्शन था, उसी स्नानागार में जहां पर पानी भरा जाता होगा। हौज के कोने में निर्गम मुख है जिसे पानी बहकर नाले में चला जाता है। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा। हर जगह आपको यही दिखेगा होगा, हो सकता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हमने हड़प्पा का अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, हम उसका लेटर आज तक नहीं पढ़ पाए, उसका इंक्रिप्शन आज तक नहीं पढ़ पाए। ओके, भारत में हर धार्मिक कर्म में आवश्यक रहता है एक पवित्र स्नान करना, भारत में लगभग में आवश्यक ही रहता है हर धार्मिक काम में, आपको पता होगा ये चीज़। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठरा। मोहनजोदड़ो में एक है अन्नागार, क्या है, एक है अन्नागार और एक है आपका स्नानागार। स्नान खाने और पीने का दोनों, खाने और नहाने का दोनों का उचित प्रबंधन था वहाँ पर। यह 45.71 मीटर लंबा है, ये उससे भी बड़ा लंबा है, ये देखिए छोटा था इसके तुलना में, और चौड़ाई कितनी है इसकी तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, और 15.23 मीटर चौड़ा है। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंट के बने चबूतरे पर 2 पांतों में खड़े किए गए हैं। हड़प्पा में भी हमें 6 पांत में ऐसे बने हुए छोटे 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 जो गोदाम दिखे हैं। अब ये गोदाम था, दुकान था या क्या था, नाचने की जगह था या क्या था, किसी को नहीं पता, बस एक अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है चलो मान लेते हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, नदी के किनारे से कुछ एक मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का समूचा तल क्षेत्र लगभग में 8338.1025 वर्ग मीटर होता है, जो लगभग उतना ही है जितना मोहनजोदड़ो के कोठरों का है, यानी कि दोनों को जो कोठरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ये मिलता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा होगा आपके मन में, नहीं लग रहा है तो लगना चाहिए, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये, क्योंकि आपसे पूछा जाता है और ये इंडियन कल्चर का हिस्सा है, यानी कि आपके GS1 पेपर में भी पूछा जा सकता है। पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के शहरी बसावट का हमें विशेषताओं के बारे में बताइए, तो उसमें यही सब विशेषता लिखनी है कि दुर्ग कितने थे, स्नानागार कहाँ था, अन्नागार कहाँ था, उनकी लंबाई क्या थी, उनकी चौड़ाई क्या थी, जो जितना डिटेल में लिखता है उसको उतने ही अच्छे अंक मिलते हैं, कोई ये मजाक नहीं है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ओके, और इसको आंसर में भी लिखना होता है और इसको याद भी करना होता है। हड़प्पा के कोठरों दक्षिण में खुला फर्श है, इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। स्पष्ट है कि इनका उपयोग फसल दावने में काम होता होगा, क्योंकि फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। देखिए इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो जगह है ये जो यहाँ हड़प्पा में बने हुए दुर्ग हैं छोटे 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 छोटे, ये क्या है, तो ये गोदाम के काम करते होंगे, क्यों, क्योंकि नदी के किनारे में ही बने हुए हैं ये छोटे छोटे,
और इसमें हो सकता है कि व्यापार करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे किए जाते हों। एक ईंट का बना हुआ गोलाकार चबूतरा भी है जो अनाजों को रखने के लिए उपयोग किया था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अनाजों के दाने वगैरह के हमें यहाँ पर मिले हैं प्रमाण। इसके कारण हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर अनाज वगैरह के कारोबार वगैरह के लिए गोदाम वगैरह का काम यहाँ पर होता होगा। इतिहास में इसी तरह से कहानियाँ रची जाती है। अब अगले शहर पर चलते हैं। देखिए उससे पहले यहाँ पर है हरप्पा में दो कमरे वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने होंगे। बैरक भी है एक जिसमें मजदूर लोग रहते होंगे और छोटे 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 मॉल जैसे छोटे छोटे दुकान भी बनाए गए। कहाँ पर? तो हरप्पा में, अभी मैंने दिखा दिया आपको। कालीबंगा नगर के दक्षिण भाग में ईंटों में चबूतरे मिले हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। कालीबंगा में भी मिला है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार यानी कि हरप्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। यानी कि हमें मोहनजोदड़ो में भी कोठार मिला, हरप्पा में भी कोठार मिला, कालीबंगा में भी कोठार मिला। कोठार का मतलब एक छोटा सा बड़ा सा हॉल, ओके, बस हॉल मिला है। एक हॉल जगह जगह मिल रहे थे, यानी कि हम मान रहे कि हॉल उनका महत्वपूर्ण अंग था। हॉल अंग होने का तात्पर्य होता है कि वहाँ पर कारोबार प्रणाली अच्छी थी। ठीक है, इतना क्लियर है। हरप्पा संस्कृति के नगरों में पकी ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है क्योंकि उसी समय में मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाए गए ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो वर्तमान का मिस्र है वहाँ पर नील नदी की सभ्यता जो आप पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर धूप में सुखाई हुई ईंटों का उपयोग करते थे वो लोग। और उस समय में हमने ये चीज़ डेवलप कर लिया था कि भाई साहब आग में पकाने पर ईंट जो है वो पत्थर हो जाती है और उसको हमने उपयोग किया हुआ कहाँ पर? तो भवन निर्माणों में, ओके। समकालीन मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का प्रयोग मिला है तो पर हरप्पा संस्कृति के नगरों में ऐसी ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। कौन सा पकी ईंटें? देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि हरप्पा में भी मिला है, हरप्पा में बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन मेसोपोटामिया बहुत ही छोटे स्तर पर हमें पकी हुई ईंटों का मिलता है। और मिस्र के समकालीन भवनों में तो धूप में सुखाई गई ईंटें भी मिली हैं हमें, ओके। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत थी। दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक है शहरीकरण और शहरों में भी कौन सा, तो जल निकास या जल प्रबंधन को लेकर दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रणाली किसी ने बनाई थी तो हरप्पा वासियों ने बनाई थी। हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का ऐसा अद्भुत नमूना उन्होंने आज से हरप्पा आज के वर्तमान के 2023 से 4000 वर्ष पहले दिया कि पूरी दुनिया आज भी चकित है कि ये लोग इतना कैसे जानते हैं। दरअसल हरप्पा की खोज के बाद क्या हुआ था ये मैं आपको बताना भूल गया, बताता हूँ। अंग्रेज लोग जब भारत पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जो भारतीय लोग हैं इनका जन्म ही हुआ है गुलामी करने के लिए। तो जब हरप्पा जैसी नगरों का खोज हुआ तो ये चीज़ प्रमाणित होने लग गया कि भाई ये लोग आज के नहीं हैं, ये तो हमसे भी पहले के नगर बसाकर सभ्यता से रहने वाले लोग हैं ये। तो जब ये प्रमाणित होने लग गया तो बहुत सारे अंग्रेज राइटरों ने क्या किया, उन्होंने ये लिखना शुरू किया कि मेसोपोटामिया से लोग आकर बस गए हरप्पा में, इसीलिए हरप्पा डेवलप हुआ। यानी कि पश्चिम के लोगों ने ही डेवलप किया किसको? तो हरप्पा सभ्यता को। तो भारतीय जो लेखक, तो उन्होंने फिर इसका काटना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं है, आपके यहाँ तो सूखी धूप में सुखाकर ईंट उपयोग करते थे और यहाँ पर पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। आपके यहाँ के शहर जो हैं वो बेतरतीब थे जबकि यहाँ के जो शहर थे वो बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से बसाए गए थे। आपके यहाँ के लोगों का खान पान कुछ और था, यहाँ के लोगों का खान पान कुछ और था, पूजा पद्धति कुछ और थी, यहाँ के लोगों का रहने का तौर तरीका अलग था, सब कुछ यहाँ पर अलग था। तो आप कैसे बोल सकते हो यानी कि भारतीय लोग जो हैं वो कोई आज के नहीं हैं, वो गुलाम नहीं हैं, वो उसी समय के हैं जिस समय के आप हैं और आपसे भी सभ्य रहे हम इतिहास में। ये चीज़ सिद्ध हो गया कब? तो हरप्पा के उत्खनन के पश्चात। ये चीज़ क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े हम लोग। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान प्रांगण, मकान में एक आंगन जो होता है आजकल के समय में, आंगन जिसको कहा जाता है, शहर के बच्चे नहीं जान रहे होंगे तो मैं बता दूं, आंगन का नाम का एक चीज़ होता है जिसके चारों तरफ घर बने होते हैं और बीच में आगे आंगन होता है, या एक तरफ घर होता है घर के आगे आंगन होता है। इतने भी शहरी तो कोई नहीं होंगे, आई थिंक सभी को पता होगा आंगन क्या होता है। और प्रांगण और स्नानागार होते थे। देखिए क्या लिखा है, हर छोटे या बड़े मकान में एक प्रांगण होता था और उसमें एक स्नानागार होता था। कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता जहाँ इसके नीचे मोरियाँ बनी हुई थी, यानी कि नालियाँ बनी हुई थी। इसके घर का पानी है, यहाँ से घर है, घर से यहाँ पर पानी का कनेक्शन किस में था? तो नालियों में था, जैसे आज के शहरों में होता है उसी प्रकार से, ओके। अक्सर ये मोरियाँ ईंटों और पत्थरों के सिलियों से ढकी रहती थी, यानी कि नाली आज के जैसे खुले हुए नहीं होते थे जो डेंगू मलेरिया फैला रहे हैं, नाली ढके हुए होते थे जिनका कोई दुर्गंध नहीं आता था।
आज आप दिल्ली जैसे शहरों में भी घूमेंगे तो आपको नालियाँ खुली हुई दिखेंगी और डेंगू और मलेरिया का घर दिखेगा आपको, लेकिन उस समय में ढका हुआ होता था क्योंकि उनको पता था कि स्वच्छता क्या होता है। आज जैसे भ्रष्ट लोग वैसे नहीं थे। सड़कों की इन मोड़ियों में नर मोखे मेन होन भी बने थे। सड़कों और मोड़ियों के अवशेष बनावली 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 कहाँ है आपको मैंने बताया था, बताइए। ये देखिए क्या है, ऐसे ही हड़प्पा बने हुए, ये सारे के सारे गोदाम बने हुए हैं, ये सारे गोदाम बने हुए यहाँ पर देखिए। ये हड़प्पा शहर का है, हड़प्पा के अनाज के कोठारों का समाकृत प्रक्षेप है ये। हड़प्पा शहर में जो गोदाम बनाए गए वही है। देखिए कुल मिलाकर स्नानाघरों और ये बनावली से भी मिले हैं, कुल मिलाकर स्नानघरों और मोड़ियों की व्यवस्था अनोखी है, अद्भुत व्यवस्था है। वैसी व्यवस्था और पूरे दुनिया में हमें उतने पुराने इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है। उस समय में तो बहुत सारे लोग कपड़ा पहनना सीख रहे थे जिस समय हम सब शहर बसा रहे थे। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इतना हम सभ्य थे उस समय, है ना। और इसके द्वारा हमें क्या प्रमाणित किया था स्वतंत्रता के संग्राम में कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, हम भी कभी सभ्य रहे हैं, हम भारतीय लोगों का इतिहास भी बहुत पुराना है। ओके, हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण है। निकास प्रणाली का मतलब ड्रेनेज सिस्टम, अंग्रेजी में कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। ओके, शायद कांस्य युगीन की दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई पर इतना महत्व नहीं दिया होगा जितना हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जितना साफ सफाई और स्वच्छता पर इतना अधिक जोर दिया इन्होंने, जितना पूरे दुनिया में उस समय किसी भी सभ्यता ने नहीं दिया था। आज अपना देश नहीं दे रहा इतना जोर। मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा बदलाव हुआ भी है, स्वच्छ भारत मिशन वगैरह के बाद लोगों का माइंडसेट बदलना जरूरी था, वो मोदी जी ने बदला भी है, लेकिन उससे पहले की गवर्नमेंट में एक निराशा सी दिखती थी साफ सफाई को लेकर। और ये लोगों का काम होता है, सरकार का काम नहीं होता। ये सरकार पर कब तक थोपते रहेंगे आप, घर से आप कचरा का पन्नी ले जाकर सड़क पर फेंक देते हैं, ये सरकार रोकने थोड़ी ना आएगी, ये तो खुद का विवेक होता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, उस युग में कांस्य युगीन सभ्यता में इससे ज़्यादा डेवलप कहीं पर भी पृथ्वी पर नहीं था। अब हम लोग कृषि पर आ गए। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, भौगोलिक सीमा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इनका जो शहर का बसावट है उसको पढ़ लिया। अब हम इनके कृषि के बारे में जानते हैं, क्यों, क्योंकि कृषि से ही तो इनकी इकोनॉमी का निर्माण हुआ, इकोनॉमी से ही तो शहर बसाया इन्होंने, और सब कुछ तो सारा जो नाच हो रहा है वो इकोनॉमी के आधार पर ही तो हो रहा है, बिना पैसा के शहर कैसे बस जाएगा। यानी कि कृषि उन्नत होगी इनकी तभी इनका शहर उन्नत था, कृषि उन्नत नहीं रहेगी तो शहर कैसे उन्नत हो जाएगा। इनका जब हम पतन का कारण पढ़ते हैं तो सबसे पहला पतन पढ़ते हैं कि इनका कृषि जो है वो उसका पतन हो गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंधु प्रदेश में आज के पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती थी, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा है। सिंधु प्रदेश में आज पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है। सिंधु का जो आजकल का इलाका है, सिंध का इलाका और वर्तमान का पाकिस्तान का इलाका है, इसमें आजकल बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन उस समय में ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी और ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। ओके, कई सारे आपको एक चीज़ असंभव होगा, कई सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्तमान का जो अपना थार का रेगिस्तान का इलाका है, किसी ज़माने में ये पृथ्वी के सबसे उपजाऊ इलाके थे। ठीक ना, यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। ओके, संप्रति यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ईसा पूर्व 4वीं सदी एवं सिकंदर का एक इतिहासकार बता गया है कि सिंध इस देश के उपजाऊ भागों में गिना जाता था। देखिए आज तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, लेकिन सिकंदर का इतिहासकार क्या बताता है कि जो सिंध का इलाका था वो इस इलाके में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। ओके, पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंट पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। लंबे अरसे तक खेती के विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई और ईंधन के लिए लकड़ी की खपत होते रहने से यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति संपदा छीन हो गई और सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो इसी को माना जाता है कि जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ था, जो उस क्षेत्र में खेती सबसे ज़्यादा उन्नत थी, उस क्षेत्र में खेती का विनाश हो गया धीरे धीरे और इस कारण से इस पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस प्रदेश की उर्वरता का एक विशेष कारण शायद सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ होगी। बाढ़ का तात्पर्य क्या होता है, जलोढ़ मृदा का तात्पर्य क्या होता है, उपजाऊ मृदा, जिस पर छिड़क के आ जाओ तो आपका अनाज से घर भर जाएगा, इतनी उपजाऊ होती जलोढ़ मृदा, किसी खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। गांव के बारे में क्या लिखा गया, गांव देखिए पूरा फोटो दिया हुआ, यही है पूरा सिंधु सभ्यता का विस्तार, यही है पूरा, है ना।
और इसे बहुत सारे जगह नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आलमगीरपुर है, यहाँ तक का पूरा विस्तार है इसका। इस इलाके में तो मरुस्थल है तो यहाँ पर विस्तार नहीं है, बाकी पूरा ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दिखाया गया आपको। ओके, गाँव के बारे में क्या बोला गया है, गाँव कालीबंगा के देखिए यहाँ पर गाँव के बारे में ये रहा। गाँव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पकी ईंट की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती होगी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी और इस बाढ़ वाले मैदान में छोड़ जाती थी। कौन? तो सिंधु नदी जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाकर यहाँ पर छोड़ देती थी। उस मिट्टी पर वो लोग, उनके पास तो लोहे के हल थे नहीं, तो वो अपने जो उनके हथियार थे थोड़े बहुत तांबे के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, उनसे खेत जोतकर कम गहराई तक जोतकर और उस पर बीज छिड़क देते थे। लेकिन जलोढ़ मृदा इतनी उपजाऊ होती है कि कम गहराई से जोतने के बावजूद उनका जो उपजाऊ है, उपज है, वो खूब होता था। ओके, जैसे नील ने मिस्र का निर्माण, वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण किया, वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया था। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर महीने बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे। कौन? तो सिंधु सभ्यता के लोग, और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूँ और जौ की अपनी फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन हमें क्या मिला है यहाँ से, लेकिन कालीबंगा के प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कूड़ हल रेखा देखे गए, यही सवाल पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में कि हमें कहाँ से जुती हुई खेतों के प्रमाण मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया था और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था एज यूजुअल, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे, हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, शायद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रमाणिक हमारे पास नहीं है। हमें एक मिट्टी का बना हुआ हल का खिनौला कहाँ से मिला है, तो यह हमें बनावली से मिला, हरियाणा से मिला है। ओके, और इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का प्रमाण नहीं है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर की हंसियों का उपयोग होता था। गबर, देखिए क्या लिखा, गबर बंदों या नालों को बांधों से घेर कर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में विशेषता रही है। नालों को घेर दिया, वो एक छोटा सा जलाशय बन गया, अब उसमें से सिंचाई कर ली हमने। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, किंतु लगता है कि नहरों या नाली से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। हड़प्पाई गांव जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदान में थे, प्रचुर अन्न उपजा लेते थे। यानी कि हड़प्पा में देखिए एक चीज़ को जोड़िएगा, यहाँ से इकोनॉमी बेहतर होगी। अभी मैंने समझाया आपको, इकोनॉमी बेहतर होगी तभी वहाँ का नगर प्रशासन अच्छे से चल पाएगा। नगर प्रशासन तभी अच्छे से चल पाएगा जब इकोनॉमी बेहतर होगी, व्यापार बेहतर होगा। यानी कि हड़प्पावासी, व्यापार उनका उन्नत था, और ये व्यापार करने के लिए कहाँ तक जाते थे, वर्तमान के बहरीन तक जाते थे, मेसोपोटामिया तक से इनका व्यापार चलता था, समुद्र के माध्यम से भी और स्थल के माध्यम से भी इनका व्यापार चलता था। यानी कि एक दूसरे चीज़ें एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। ये हमें कैसे पता चला, तो देखिए जो मेसोपोटामिया है वहाँ से हमें हड़प्पा के मुद्रा मिले हैं, और हड़प्पा से हमें क्या मिला है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता की मुद्राएँ मिली हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि इन दोनों देशों में, इन दोनों जगहों में व्यापार होता था बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके साथ साथ हड़प्पावासी को, जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, वो किस नाम से बोलते हैं, तो वो बोलते थे इनको मेलुहा संस्कृति, मेलुहा संस्कृति के नाम से जानते थे, मेलुहा वासी के नाम से जानते थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मेलुहा एक किताब भी है अमीस की, तो मेलुहा संस्कृति के नाम से कौन लोग जानते थे, तो मेसोपोटामिया के लोग भारत के जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनको संबोधित करते थे मेलुहा संस्कृति। और सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहली बार कपास उपजाकर उसका वस्त्र निर्माण का काम किया था। सबसे पहली बार कौन, तो सिंधु सभ्यता के लोग ही थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि अन्न उपजा लेते थे ये लोग, और अब उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बल्कि खेती काम से मतलब न रखने वाले लोग, नगर निवासी, शिल्पी, व्यापारी और सामान्य नागरिकों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त होता था उनका उपज, इतना वो कर लेते थे। उपजाते क्या थे, तो जो आज जो उपज था वो हर चीज़ उपजाते थे। आज आप जो कुछ भी खाते वो हर चीज़ वो खाते थे। ओके, जो भारत में था, अब आलू भारत में नहीं था, आपको पता होना चाहिए, किसी सम्राट अशोक ने कभी आलू नहीं खाया, क्योंकि आलू बाहर से आया है ना। तो सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्मों का गेहूं और जौ उगाते थे। बनावली में मिला जौ बढ़िया किस्म का है। जौ यानी कि बारले, वो पहला उत्पाद है जो मनुष्य ने पृथ्वी पर उपजाया था। कृषि जिसका सबसे पहली बार किया था वो जौ था। वैदिक रीति रिवाज में, पूजा पाठ में आज भी जौ का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि पहला अन्न वही था जो हमारे द्वारा उपजाया गया था, और वैदिक काल से आज तक हम लोग उसका पूजा में इसीलिए उपयोग करते आ रहे हैं क्योंकि उसी समय परंपरा चल रही है, बस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। बारले जिसको कहा जाता है वही।
इसके अलावा वे तिल व सरसों भी उपजाते थे, परंतु हड़प्पाकालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें डॉकयार्ड मिला है। लोथल क्या था? बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह? समुद्र कहाँ है लोथल में? लोथल को आज तक मैप पर नहीं देखा होगा कि कहाँ है। आपको लगता है गुजरात में समुद्र के तट पर है, समुद्र के तट पर कतई नहीं है, वो नदी के तट पर है। और वो नदी बंदरगाह था। क्या था? नदी बंदरगाह था। कौन सा? तो लोथल। देखिएगा सर्च करके लोथल का लोकेशन कहाँ है। बहुत ही स्थल के अंदर भाग में है गुजरात में, कोई समुद्र के तट पर नहीं है वो लोथल, है ना। अनाज के बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता था। कहाँ पर? तो हड़प्पा में, शायद कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता होगा, और संभवतः किसान से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। वह पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए कोठरों में जमा किया जाता था। यह बात हम कहाँ से जान चुके हैं? तो यह बात देखिए, यहाँ पर मेसोपोटामिया के नगरों को दृष्टांत से कह सकते हैं कि जहाँ मजदूरी में जौ दिया जाता था, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकलता है। यूनान के लोगों ने इसको क्या कहा? सिंडन। ये भी ध्यान में रखिएगा, यूनानियों ने भारत को, हड़प्पा वासियों क्या कहा? सिंडन। सिंडन कहा, क्यों? क्योंकि कपास उपजाते थे ये लोग। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अगला टॉपिक है पशुपालन। अब पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं, ये लोग पशु भी पालते थे क्या? मुख्य रूप से व्यापारी लोग थे। पशुपालन का आपको सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पर दिखता है? तो हड़प्पा के बाद, हड़प्पा के पतन के पश्चात एक सभ्यता शुरू होती है, जिसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक में पशुपालन का बहुत ज़्यादा प्रचलन दिखेगा आपको। उत्तर वैदिक में आपको कृषि का फिर से प्रचलन दिखेगा। फिर आपका महाजनपद का पीरियड आता है, जिसमें हम सभ्य हो जाते हैं, सुशील हो जाते हैं और सब कुछ करने लग जाते हैं। ओके, पशुपालन कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वही सारे पशु पालते थे जो आज हम लोग पालते हैं, है ना। वही गाय, बैल, भंसरी, भैंस, बकरी, सुअर, सब कुछ पालते थे। उन्हें कुंवर वाले सांड बहुत विशेष प्रिय होते थे। आज भी नंदी होता है गांव घर में, बसहा बरद जिसको बोलते हैं, घूमते हैं नंदी। तो कुंवर वाले बैल तो आज भी भारत में लोगों को प्रिय लगते हैं, पसंद आते हैं, प्रणाम भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवर में थे, बिल्कुल सही। बिल्ली भी पाली जाती थी, बिल्कुल सही भाई। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैर के निशान भी मिले। अब इतिहासकार इतने होशियार कि 3000 साल 4000 साल पहले के चीज़ों में कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान भी ढूंढ के ले आए और उसको हमारे सिलेबस में लिख दिया, है ना। वे गधे और ऊँट भी रखते थे, बहुत सुंदर। राजस्थान और गुजरात के इलाकों में रहेंगे तो गधे तो वहाँ पर पाए ही जाते हैं, ऊँट भी पाए जाते हैं वहाँ। तो घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह है तथा लोथल में मिला एक संदिग्ध मूर्ति का टेराकोटा से मिला है। लेकिन घोड़े का अवशेष मिलने की रिपोर्ट आई है और वो बोला कि भी गया है कि घोड़े मिले हैं, लेकिन ये अश्व केंद्रित नहीं थी। यही आपका क्या है? आपका सवाल है कब का? तो 69 BPSC का NCERT अगर ढंग से पढ़ के गए होते तो ये सवाल सही करके आते। बहुत सारे लोग ये भी सवाल गलत करके आए हैं। देखिए, घोड़े का हमें प्रमाण थोड़े बहुत मिले हैं, लेकिन ये अश्व केंद्रित नहीं था। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपरी सतह से मिला है। ऊपरी सतह का मतलब क्या होता है? हड़प्पा के बाद के पीरियड का हमें मिला है। टेराकोटा की मूर्ति भी मिली हमें। अब जैसे मान लीजिए, आप इसको कैसे पहचानते हैं? जैसे आज अगर मान लीजिए आपका कौन सा शहर है, पटना शहर है, ये पूरा मान लीजिए कल को डूब जाए और पृथ्वी के अंदर समा जाए, इसके ऊपर मिट्टी बस जाए, आज से 4000 वर्ष बाद इसको खोदा जाए, तो यहाँ पर ऊँट के प्रमाण मिलेंगे क्या इस शहर में? नहीं मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे हम? मान लीजिए कहीं पर कोई ऊँट रखा भी होगा किसी ने, तो एक आध भी रखा होगा, तो अधिकांश क्या मिलेगा? गाय, भैंस, कुत्ते, गधे, यही सब तो मिलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? यही सब विशेष रूप से जानवर थे, यहाँ पर बैल वगैरह मिल जाएंगे। ऊँट के हमें प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन ऊँट केंद्रित सभ्यता नहीं थी ये। तो ऐसा ही कुछ कहा गया है यहाँ पर भी, है ना। ये चीज़ क्लियर है। हड़प्पा संस्कृति के आरंभिक और परिपक्व अवस्था में न तो घोड़े की हड्डियां हैं, न ही उसके प्रारूप मिले। हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व अवस्था में कोई हड्डी, घोड़े वोड़े का प्रमाण मिला नहीं है हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था, बिल्कुल सही, हाथी जानते थे ये। वे गैंडे से भी परिचित थे। गैंडा एक समय में, अभी वर्तमान में असम में रहता है, एक समय पूरे भारत में गैंडा पाया जाता था। जैसे जैसे इंसान बढ़ते गए, हमने गैंडों को ख़त्म कर दिया, अब गैंडे बच गए केवल असम में। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे। सुमेरी सभ्यता, उनके पालतू पशु भी प्रायः वही थे जो इनके थे, परंतु गुजरात में बसे यहाँ पर देखिए, हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगरवासियों पर लागू नहीं होती। मेसोपोटामिया के लोगों को हाथी वाथी के बारे में पता नहीं था। आपको पता होना चाहिए। आपको एक चीज़ और बताता हूँ,
जो सिकंदर पहली बार भारत लड़ने आया तो बंदर को उसने पहली बार भारत में ही देखा और हाथी को भी पहली बार भारत में ही देखा। पोरस ने जब उसको हाथी की सेना के साथ लड़ाई किया, पोरस ने सिकंदर के साथ, तो सिकंदर के पैर कांप गए थे कि ये कौन सा जानवर आ गया जिसके पैर पटकने से धरती हिल रही है। पोरस ने इतना मारा सिकंदर की सेना को कि एक तरह से परास्त करके रख दिया था पोरस ने। बहुत सारे जो ग्रीक इतिहासकार हैं, जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, वो तो ये मानते हैं कि सिकंदर भारत में हार गया था और हार के वापस गया था, लेकिन अपने देश के इतिहासकार उस सिकंदर से इतना प्रेम करते, तो उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। आप अगर सिकंदर मूवी देखेंगे हॉलीवुड का, तो उसमें ये दिखाया गया है कि सिकंदर परास्त हो गया था भारत में, घायल हो गया था। जबकि अपने यहाँ के इतिहासकार क्या बोलते हैं कि नहीं, वो सिंधु नदी के किनारे से लौट गया था पोरस को हराने के पश्चात। तो ये भी है, एक ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। हाथी के बारे में बता रहा था आपको, शिल्प व तकनीकी ज्ञान। ओके, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है। यूँ तो इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजार वगैरह बनाते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भली भांति परिचित थे। समय तक कांसा तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्प द्वारा बनाया जाता था, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी। ना तो कांसा उनको आसानी से मिलता था, ना तो उनको तांबा, ना टीन, कुछ भी नहीं मिलता था। इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं। अयस्कों के ताम्र खनिज की अशुद्धियों से पता लगता है कि वहाँ तांबा राजस्थान के खेतरी खान से मंगाया जाता था। हालांकि यह बलूचिस्तान से भी मंगाया जा सकता था, लेकिन तांबा कहाँ से आता था, तो राजस्थान के खेतरी खान से मंगाया जाता था। टीन जो है वो अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ मंगाया जाता था। यद्यपि बताया गया कि उनकी कुछ पुरानी खादानें हजारीबाग और बस्तर में ही पाई गई हैं, हड़प्पा स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा बहुत ही कम मिली है। फिर भी ये जो कांसे की वस्तुएं छोड़ गए हैं वो नगण्य नहीं हैं। इन वस्तुओं से संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों की समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि बहुत सारे कांसे के सामान हमें बने हुए मिलते हैं। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में अगर आप जाएंगे, फ्री में ही एंट्री होता है, तो बेहतरीन आपको उदाहरण मिलेगा वहाँ पर इन सब चीज़ों का। बेहतरीन देखने के देख के बाद अचंभित हो जाएंगे कि ये लोग स्वर्ण के इतने बेहतरीन आभूषण वो लोग उस समय बनाते थे, हड़प्पावासी, सोने का, जो आज भी हमारे देश में नहीं बनता है उतना खूबसूरत। आज भी किसी को रख दिया जाए कि ये दो आभूषण, एक मॉडर्न और एक हड़प्पा, यकीन मानिए इतने खूबसूरत हड़प्पा समय के आभूषण कि वो उसको उठाकर चुन लेगा। इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए, आज तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी है, वो हाथ से बनाए गए उस तरह के आभूषण होते हैं, है ना। इसके साथ साथ हथियार ही बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा, बरछा। हड़प्पाई शहरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी थे, चलते थे। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप वगैरह भी हमें दिखती है। एक पंडित की मूर्ति याद कीजिए जिसके कंधे पर एक हमें छाप मिलता है, किसका, तो हड़प्पाई कालीन हमें कपड़ों का मिलता है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था, बुनकर ऊनी और सूती कपड़े बुनते थे। ईंट की विशाल इमारतें बनती थी। स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। इसमें राजगिरी स्थापितियों के वर्ग के अस्तित्व का आभास मिलता है। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी काम करते थे। देखिए इनके शहर जो थे वो किससे जुड़े हुए थे, तो नदियों से जुड़े हुए थे। तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब भारत को उस समय का याद कीजिए जब भारत में कोई भी NH नहीं था, सड़कें नहीं थे, रेल नहीं था, तो तब भारत के एक शहर दूसरे शहर से कैसे जुड़ते होंगे। तो सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित रास्ता था जल का रास्ता, नदियों का रास्ता। यानी कि भारत में हमेशा से गंगा के थ्रू, सिंधु के थ्रू, ब्रह्मपुत्र के थ्रू आना जाना होता रहा है। आजकल हमने उसको इतना दूषित कर दिया है कि उसमें नाव नहीं चलते हैं, नहीं तो एक समय में बहुत ही अच्छे तरीके से चलते थे। जैसा कि आगे बताया गया है कि मिट्टी के मोहरे बनाना, मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प था। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान और रत्न दक्षिण भारत से लाए जाते थे। दक्षिण भारत में जो कोलार की खान है वहाँ से भी सोना लाया जाता था। हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृदभांड की अपनी खास विशेषताएं थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले भी बनाते थे, बेहद खूबसूरत। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बनाया हुआ है हड़प्पा के मृदभांड कैसे दिखते हैं। मैं म्यूजियम में गया था तो मैंने वहाँ से डायरेक्ट वीडियो बनाया था। वो इतने बेहतरीन दिखते हैं और इतने बड़े साइज के हैं और उसको सजा के भी खूब रखा हुआ है म्यूजियम में, तो वो चमकीले इतने चमकते हैं कि आपको लगेगा कि ये कहाँ से इतने चमक रहे हैं। और वो हड़प्पा काल के ही हैं, ओरिजिनल हैं, वो उसी समय के हैं। ओके, और व्यापार पर चलते हैं, व्यापार को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ख़त्म तो इसको आज ही करना है। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा ही महत्व था। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों के व्यापारिक जीवन के बारे में बताइए हमें, सीधा सीधा यही सवाल पूछ लेगा और आप लिखते रहिए फिर उसको।
सिंधु सभ्यता के लोग जीवन व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों से पाए गए हैं। अनाज के कोठरों से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर गोदाम वगैरह का उपयोग खूब होता था, यानी कि व्यापार होता था। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। बल्कि बड़े बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी के मोहरें, एक रूप लिपि, मानकीकृत मापतौल के अस्तित्व से भी संभव होता है। कि मानकीकृत मापतौल का मतलब, जैसे आजकल होता है ना, 1 kg का एक बाट होता है, 2 kg का होता है, तो पूरे हड़प्पा के जितने भी नगर हैं उन सब में ये सब चीज़ें एक ही समान थी, है ना। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी का व्यापार करते थे, लेकिन वे जो वस्तुएं बनाते थे उसके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। वे धातु के सिक्कों का उपयोग नहीं करते थे। संभव है कि वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों अपने तैयार माल और संभवतः अनाज। देखिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, एक आपने गौर नहीं किया, सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे ये लोग। करेंसी उन्होंने डेवलप नहीं की थी, कुछ मुद्राएं अवश्य थी लेकिन करेंसी डेवलप नहीं की थी इन्होंने। यानी कि बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे हड़प्पावासी। बार्टर सिस्टम यानी कि हम आपको चावल देते हैं, आप हमें क्या कीजिए, फल दे दीजिए। हम आपको नील देते हैं, आप हमें क्या कीजिए, तो कपड़ा दे दीजिए। इसी को कहा था बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली अंग्रेजी में कहा जाता है। यही प्रणाली वहाँ पर चलता था। कोई मुद्रा थी क्या हड़प्पा में? सिक्कों का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं है। आदान प्रदान विनिमय के द्वारा ही इतना बड़ा व्यापारिक तंत्र उन लोगों ने खड़ा किया था। और सिर्फ ना व्यापारी बल्कि इंटरनेशनल व्यापार भी करते थे, दूसरे देशों में भी ले जाते थे सामान उठा उठा कर, नावों और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाकों में भी ले जाते थे। उन वस्तुओं के बदले धातु ले आते थे। वे अरब सागर के तट पर जहाजरानी करते थे, यानी कि उनका जो मर्चेंट है वो भी चलता था। वे पहियों से परिचित थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थी। लगता है हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार के आज के इक्के का इस्तेमाल करते थे, उसमें आरेदार पहिए नहीं थे। ओके, हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के एक क्षेत्र में था, अफगानिस्तान और ईरान से भी था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी। वर्तमान का जो अफगानिस्तान है उसके उत्तरी इलाके में उन्होंने ट्रेड के लिए एक छोटा सा सिटी बनाया हुआ था, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था, जो सेंट्रल एशिया का भाग है, वर्तमान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। इस इलाके से वो लोग व्यापार कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान में उन्होंने एक छोटा सा ट्रेड के लिए छोटा शहर बनाया हुआ था, वहीं से वो लोग व्यापार वगैरह करते थे। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, यही लाइन आपके स्टेटमेंट में दे देगा और आप अचंभित हो जाएंगे। उनके नगरों का व्यापार दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ चलता। दजला फरात हो गया कहाँ? कजाकिस्तान के पास। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, और सॉरी दजला फरात हो गया आपका इराक के पास में, बहुत दूर यहाँ से। वहाँ से भी ये स्थल मार्ग के थ्रू व्यापार करते थे, बड़े बड़े काफिले में जाते थे, व्यापार करके आ जाते। व्यापार का मतलब होता है एक सामान लाद कर ले गए, उसको वहाँ पर बेचा, उसके बदले दूसरा सामान वहाँ से उठा कर ले आए। ओके, हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के कई प्रावधानों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मनी, लापिस लाजूली का सदूर व्यापार चलाया था। अवश्य इस मनी के शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती होगी। 2350 ईस्वी के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलहुआ के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा की गई है। यही मेलहुआ शब्द तो मैं आपको तब से रटवा रहा था, मेलहुआ 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 सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेख में इसको उल्लेख मिला है, दिलमन और मकान का, ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलहुआ के बीच में थे। यानी कि मेसोपोटामिया वर्तमान का मिस्र हो गया, तो दिलमन और मकान कहाँ पर था? तो बहरीन और कतर का इलाका इसको माना जाता है। दिलमन की पहचान शायद फारस की खाड़ी बहरीन से की जा सकती है, और उस बंदरगाह नगर में हजारों कब्रें खुदाई का इंतजार कर रही हैं, और वो जब खुद जाएगा तो वहाँ से क्या हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर थी। ओके, यानी कि इनका व्यापार जो है वो विदेशों से भी चलता था। अगला जो टॉपिक है वो अपना राजनीतिक संगठन, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। राजनीतिक संगठन जो है ये आपका सारे संगठनों को मैनेज करने के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट तरीके का राजनीतिक संगठन होगा। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आद्य ऐतिहासिक माना जाता है कि इसको हड़प्पा को। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? ऐसा इतिहास का पहलू जिसके बारे में हमें प्रमाण तो मिलता है कि यहाँ पर कुछ था, प्रमाण तो हमें मिलता है, प्रूफ मिलता है हमें, लेकिन दरअसल में उसके बारे में हम आज तक कुछ पढ़ लिख नहीं पाए हैं। देखिए हड़प्पा में हमें साइन बोर्ड बहुत सारे मिले हैं,
जिसको हम मानते हैं कि साइन बोर्ड है ये अलग अलग तरीके का, और इस पर कुछ उन्होंने लिखा हुआ है प्रचार के लिए, वो बोर्ड है या किसी और तरीके का बोर्ड है, लेकिन साइन बोर्ड बहुत सारे मिले हैं। लेकिन आज तक के इतिहास की सबसे अबूझ पहेली ये है कि आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा शहर है तो उसकी इकोनॉमी की स्थिति भी अच्छी होगी। कल मैंने इससे पहले मैंने आपको व्यापार वगैरह पढ़ाया है, उसके साथ हम और क्या एज्यूम करते हैं कि इसकी पॉलिटिकल स्थिति जो है वो भी बेहतरीन होगी। ओके, और चूंकि एक चीज़ और है कि हड़प्पा का जो पीरियड है पूरा, इसमें हमें कहीं भी कोई मजबूत हथियार या लोहा, बम बारूद, इन सब चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि हथियारों का प्रमाण नहीं मिलने से हम ये मानते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक तो प्रणाली थी लेकिन योद्धा वर्ग से संबंधित नहीं थे ये लोग। ओके, लेकिन इतिहासकार यहाँ पर थोड़े से अतार्किक लगते हैं मुझे। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कैसे? अगर शहर बड़ा है, आर्थिक स्थिति भी उसकी अच्छी है, तो क्या शहर के रक्षक नहीं होंगे? क्या इतने बड़े शहर को संचालित करने के लिए सैन्य तरीके का कोई प्रशासन नहीं होगा, जहाँ पर सेना या पुलिस तरीके के कुछ चीज़ें हों? क्या उनके पास वाकई हथियार नहीं होंगे? बिल्कुल भी, किसी भी तरीके का एक हथियार तो ज़रूर यूज करते होंगे, क्योंकि सोने चांदी और समृद्ध शहर है तो इसको बचाने के लिए, लूटने से बचाने के लिए या बाहरी आक्रमण से रोकने के लिए कुछ तो उपाय होगा उनके पास। कुछ तो या तो प्राकृतिक की चीज़ों को वेपन के तौर पर यूज करते होंगे, कुछ तो होगा। इसको सिरे से नकार देते हैं हमारे इतिहासकार जो है। यहीं पर मुझे वो अतार्किक लगते हैं, बिल्कुल ही अतार्किक लगते हैं, जहां वो सिरे से खारिज कर देते हैं कि इनके पास कुछ इस तरह की चीज़ थी। चलिए अब देखते हैं, और ये भी मानते हैं जो वैश्य समुदाय होता है, वैश्य, कुछ इतिहासकार और भी अंदर जाते हैं और बताते हैं कि वैश्य समुदाय जो व्यापारी वर्ग जो था, तथाकथित उसके हाथ में इस शहर का बागडोर था। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। इस क्या लिखा है कि हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं होगी। यदि हड़प्पाई संस्कृति अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। मौर्यों से पहले इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े भूभाग में, वर्तमान के पाकिस्तान से बड़ा भूभाग में, पूरा एक प्रशासन को, एक मापतौल की इकाई को, एक इकोनॉमी को, एक मुद्रा को कहीं नहीं देखा हमने। और इतने बड़े इकाई में ऐसा तो है नहीं कि सब लोग स्वेच्छा से हर चीज़ को अपनाते होंगे, कोई तो राजनीतिक प्रणाली होगी ही। मौर्यों ने सबसे बड़ा साम्राज्य आज तक का खड़ा किया, लेकिन उनसे भी पहले ये चीज़ था। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो गई कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। अब कोई 100 वर्षों या 50 वर्ष के लिए नहीं आई है सभ्यता, 600 वर्ष, यानी कि 1500 में अकबर था और आज लगभग में 2000 ईस्वी चल रहा है, तो अभी भी 600 वर्ष नहीं हुआ है। समझ सकते हैं इतने दिनों से ये शासन कायम था यहाँ पर। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिला। अब अगली बार पीटी में आपसे यही पूछेगा तो आप बताइएगा। किसी प्रकार का कोई धार्मिक भवन नहीं मिला है। इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है जिसका उपयोग नहाने धोने के लिए किया जाता होगा। हड़प्पा अंचल धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता नहीं है। हड़प्पा में कहीं भी धार्मिक रूप से एक रूपता नहीं। हड़प्पा के धर्म से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कॉन्सेप्ट है ये, कोई फैक्ट नहीं है यहाँ पर। इसलिए यह सोचना गलत होगा कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा ही शासन था जैसे कि निचले मेसोपोटामिया के नगरों में था। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था। ये लोग क्या बता रहे अपने तर्क, इनका जो ध्यान था वो विजय की ओर नहीं था, धर्म की ओर नहीं था, केवल किसकी ओर था? तो वाणिज्य की ओर था, यानी कि ये व्यापार में बहुत समृद्ध थे। वाणिज्य का हमें बहुत संकेत मिलता है, मंदिर का कोई संकेत नहीं मिलता। कहीं पर पूजा पाठ के वैसे प्रमाण नहीं मिलते, मूर्तियां मिली हैं हमें थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा कोई कर्मकांडी मंदिर और वो सब नहीं मिला, लेकिन लिंग पूजा के हमें साक्ष्य मिले हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, महिला योनि और पुरुष लिंग की पूजा की यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, और संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है। अभाव है क्यों? क्योंकि हमें मिला नहीं है। सही सी बात मैं बताऊँ आपको, मिला नहीं है। मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी की मूर्ति, देखिए मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली, इसको इतिहासकारों ने क्या नाम दे दिया कि ये मातृ देवी की मूर्ति है। मुझे कहीं से मातृ देवी नहीं दिखती हैं ये, चलिए फिर भी मान लेते हैं मातृ देवी हैं।
और कई सारे जगहों पर यह माना गया है कि जो ये शक्ति थी, शक्ति बोलता हूँ, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये महिला प्रधान है, यानी कि इसमें महिलाओं को पूजा जाता था और उनको स्थान भी उच्च दिया जाता था। अब मुझे आज बताइएगा, इसको जरा आज के तर्क पर नापते हैं। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, जगह जगह पर बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां बनी हैं, पूजा पाठ हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि हमारा समाज स्त्री प्रधान समाज है? बताइए मुझे, मंदिरों को क्या कमी है, देवी मंदिरों की? क्या दुर्गा मंदिरों की कमी है क्या आपके शहर में? ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत में तो ये होता है कि आप कहीं भी रह रहे हों, आपका नज़दीक का मंदिर आपसे 100-150 मीटर की दूरी पर होता है, चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, कहीं पर भी आप जाएंगे तो उसमें माता की मूर्ति तो ज़रूर ही होती है। तो क्या हम मान लें कि आज का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक समाज है या स्त्री प्रधान समाज है? ये इतिहासकारों की अपनी एक सोच है, आप उस सोच को एक्सेप्ट करके बस आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा प्रमाण इसमें है नहीं। धार्मिक प्रथाओं पर हम लोग आगे, क्या है ये? हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया, जैसे स्त्री है तो उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। तो यानी कि वो क्या हो गया, वो हो गया कि वो एक द्योतक है, कि मातृ देवी, यानी कि वो जो महिला है वो क्या है, तो सृजन की शक्ति का द्योतक है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म वृद्धि से हो रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। ये लोग बताते हैं कि नील नदी की पूजा इसलिए करते थे मिस्र के लोग क्योंकि उनका पूरा का पूरा सभ्यता एक ही नदी पर था। नील नदी नहीं तो मिस्र नहीं। आज भी नील नदी पर बांध बना दो, मिस्र मिट जाएगा। नील नदी का पानी रोक दो, मिस्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसी पर आश्रित है आज भी संपूर्ण रूपेण। नहीं तो सहारा का मरुस्थल उस पर भी कैप्चर कर लेता। मैं आपको क्या बताऊँ, इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो वहाँ के उपजाऊ मिट्टी पर आश्रित थे, इसीलिए उन्होंने मिट्टी को एक पूजा के रूप में अपना लिया होगा, पद्धति के रूप में। और हमारे यहाँ तो धरती को माँ आज से नहीं कहा जाता है, तो ये एक मान रहे इतिहासकार, एज्यूम कर रहे हैं। इतिहास जब भी पढ़िए तो वहाँ पर क्यों, कैसे, कब, इन सवालों को लगाना थोड़ा सीखिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। ओके, लेकिन हड़प्पाई लोग मिस्र वासियों की तरह मातृसत्तात्मक थे या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मिस्र में राज्य या संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था। मिस्र में राज्य या संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था। मातृसत्तात्मकता का मतलब ये होता कि उत्तराधिकार जो पिताजी से आपको मिला है वो आपकी जगह आपकी सिस्टर को मिलता। समझ में आ रहा है चीज़ें, है ना? किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकारियों का स्वरूप क्या था यह हमें ज्ञात ही नहीं है। मिस्र का दरअसल में हमने वो तो पढ़ लिया स्क्रिप्ट, लेकिन हड़प्पा का हमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं आज तक। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की स्तुति है किंतु उनको कोई प्रमुखता नहीं दी गई है। सुदीर्घ काल के बाद ही हिंदू धर्म में इस मातृ देवी को उच्च स्थान मिला है। ईसा की 6वीं सदी और उसके बाद ही दुर्गा, अब काली, चंडी आदि विविध मातृ देवियों को पुराने तंत्रों में आराध्य देवी का स्थान मिला है। काल क्रमेण प्रत्येक गांव में अपनी अलग अलग देवी भी हो गई, हर गांव की भी एक देवी हो गई। बाद में जाकर देवियों की पूजा प्रमुख रूप से हुई है, है ना? इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो उसको लेकर अगर आवाज़ में दिक्कत हो तो सॉरी, मैं पहले ही बोल देता हूँ। सिंधु घाटी के पुरुष देवता, अब देखिए क्या मातृ देवी कहीं मिले हैं? नहीं, पुरुष देवता के भी कुछ प्रमाण मिले हैं और उसमें भी योगी में हमें मिला है। योगी एक ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके आस पड़ोस से बहुत सारे पशु पक्षी बैठे हुए हैं, तो हमने उसको बोल दिया कि आदि योगी की मूर्ति है, आदि योगी। पुरुष देवता एक मोहर पर चित्रित किया गया है, उसके सिर पर 3 सींग है, है ना? वह एक योगी के मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठे पद्मासन लगाए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी। अब ये पशुओं को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूपीएससी वालों ने, इधर उधर नहीं, यूपीएससी वालों ने ये पूछ लिया कि उसके अगल बगल में कौन कौन से पशु हैं ये बताओ, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या क्या मैं कहने जा रहा हूँ, कौन कौन से पशु है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक हाथी है उसके बगल में, एक बाघ है, एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंसा भी है और पाँव पर 2 हिरण हैं। और मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति, और ये मुहर पर बनाया गया है, क्या लिखा गया, पशुपति महादेव बतलाया जाता है। और पशुपति महादेव बतलाया जाता है, मुहर हम नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन बतलाया जाता है कि पशुपति, चूँकि चारों ओर पशु हैं तो ये पशुओं के राजा होंगे। जैसे लक्ष्मी माता हैं तो उनके अगल बगल में आपको सोने चांदी खूब सारे मूर्तियाँ, सिक्के दिखेंगे फोटो में भी, है ना? भगवान कृष्ण हैं तो उनके आस पड़ोस में आपको गाय बहुत सारी दिखेगी या गोपियाँ दिख सकती हैं, है ना? तो आपको क्या दिख रहा है ये। और वहीं भगवान श्री राम है तो उनके आस पड़ोस में आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल मर्यादित वे में बैठे हुए दिखेंगे। खड़े भी होते तो बिल्कुल सावधान पोजिशन भगवान श्री राम खड़े होते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ,
आज भी जब भी हम कोई देवता बनाते हैं तो उसके आस पड़ोस में उनके प्रतीतात्मक या उनके जो प्रेम है जिस चीज़ से, वो चीज़ वहाँ पर रहता है या उनको अंकित करने वाली कुछ चीज़ें रहती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो पशुपति हैं, इनके आस पड़ोस पशु के चित्र हैं, तो हमने बोला कि ये पशुओं के राजा पशुपति हो सकते हैं, पशुओं के जो देवता होते पशुपति, इनको नाम दे दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या बताया, मैं एक चीज़ और बताता हूँ धर्म के बारे में आपको, ऑफेंड नहीं होना है, मैं कोई आपको डरा धमका नहीं रहा हूँ, ना ही आपके धर्म को मैं बुरा भला कह रहा हूँ, मैं भी बड़ा ही धार्मिक टाइप का इंसान हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। हम पूजा उसी की करते हैं जिससे हम डरते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम पूजा पाठ उसी की करते हैं जिससे हम डरते हैं। अग्नि हमारे बस में नहीं था तो हमने उसको पूजना शुरू कर दिया, हवा हमारे जल हमारे बस में नहीं था तो वो भी हमारे देवता बन गए और हमने पूजना शुरू कर दिया। हम जिस जिस से डरते गए उन उनको हमने किसी देवता के साथ लगा दिया, हम सिंह से डरे तो हमने माता जी के साथ उसको लगा दिया, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कई बार मनुष्य जिन चीज़ से डरता है उसको देवता मान लेता है। आगे देखिए क्या है, महादेव बतलाया गया, पर यह संदेहास्पद लगता है। देखिए अब यहाँ पर संदेह भी व्यक्त किया गया है, क्योंकि सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। निसंदेह हम लिंग पूजा का भी प्रचलन पाते हैं जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई है। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं, संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा मिली है। अब सुनिए बात यहीं से शुरू हो रही है, ऋग्वेद बताया गया कि अनार्य जातियां ऐसी होती थी जो लिंग पूजक होती थी। लिंग पूजक का तात्पर्य है कि वो लिंग पूजा करती थी वो लोग, और ऋग्वेद में लिंग पूजा का कहीं भी जिक्र नहीं है। ऋग्वेद भगवान शिव शंकर की बात नहीं की गई है, आपको आज जागरण का चंबा होगा, उसमें रुद्र की बात की गई है, लेकिन ये गौण देवता हैं। उसमें जो देवता हैं वो हैं इंद्र वरुण नासत्य और मित्र हैं, ये सारे प्रमुख देवता हैं, रुद्र की बात नहीं की गई है। और अनार्य जाति को ये लोग बोलते थे कि ये लोग लिंग पूजक हैं, आर्य लोग लिंग की पूजा नहीं करते, तो यज्ञ जरूर करते थे, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो ये कहाँ पर बताया गया, ऋग्वेद में बताया गया है। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई होगी और आगे चलकर हिंदू समाज पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। वृक्षों और पशुओं की पूजा, सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे, एक मोहर सील पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है, पीपल के वृक्ष की पूजा तो आज भी की जाती है, गाँव घर में पीपल में लोग पानी डालते हैं। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था, कोई पशु मुहर पर अंकित, कई पशु जो हैं मुहर पर अंकित हैं, इनमें सबसे महत्व का है एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न या गैंडा हो सकता है। एक सींग वाला जानवर तो आज भी होता है जिसके माथे पर सींग होता है, कौन सा होता है, गैंडा होता है आजकल के समय में, है ना। इसके बाद महत्व का है कुबर वाला सांड, आज भी इसको महत्व दिया जाता है। आज भी जब ऐसा सांड बाजार की गलियों में चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ते दे देते हैं और रोटी खिलाते हैं, केले खिलाते हैं, आपने देखा होगा कुबर वाले सांड को, है ना। इसी तरह सींग वाले देवता चतुर्दिक पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है कि इनकी भी पूजा होती होगी, ठीक है भाई। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, ये चीज़ तो स्पष्ट हो गया, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे जैसा कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया बना जाता था। तो मिस्र और मेसोपोटामिया से अंतर के लिए अगर पीटी में पूछा जाता है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि एक अंतर था सबसे बड़ा क्या, कि भाई अपने यहाँ मंदिर नहीं बनाया गया हड़प्पा में, है ना। धर्मोपासना सूचक वस्तु के रहते हुए भी हड़प्पा के नगरीकरण को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं होगा, जो बात कांस्य युग के अन्य नगरीय समाजों पर भी लागू होती है। जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ताबीज बड़ी तादाद में मिले हैं, ताबीज का तात्पर्य होता है कि जादू टोना टोटका में ये लोग खूब मानते थे, ताबीज का यही मतलब होता है, वो खूब बड़ी मात्रा मिले हमें। लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। आर्योत्तर परंपरा यानी कि आर्यों के बाद की परंपरा से संबद्ध माने जाने वाले अथर्ववेद में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोना दिए गए हैं। अथर्ववेद में तो वशीकरण से लेकर हर चीज़ के मंत्र लिखे हुए हैं, अथर्ववेद में कृषि से संबंधित भी मंत्र लिखे गए हैं और बहुत सारे मंत्र हैं उसमें, तो अथर्ववेद में इसी तरीके के भूत भगाने से लेकर वशीकरण से लेकर और हर चीज़ का मंत्र लिखा हुआ है। कई सारे लोग मानते हैं कि मंत्र सच भी होता है, मुझे नहीं पता है, मैं सच बता रहा हूं आपको। और रोगों का तथा भूत प्रेतों को भगाने के लिए ताबीज बताए गए हैं कहां पर, तो अथर्ववेद में। हड़प्पाई लिपि पर हम लोग आ गए, इसको कहा था ब्रुस्टोफ्रेडन लिपि, ब्रुस्टोफ्रेडन लिपि कहा जाता है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यह लिपि जो है बड़ी अद्भुत तरीके से लिखी जाती थी। कैसे, पहला लाइन लिखा यहां से यहां, दूसरा लाइन यहाँ से लिखा, तीसरा लाइन यहाँ से यहाँ, चौथा लाइन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, घूमते आ गए ऊपर से नीचे तक, ब्रुस्टोफ्रेडन लिपि। ओके,
प्राचीन मेसोपोटामियाओं की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया। यदि पे हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 1853 में मिला और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ लोग इसे द्रविड़ या आर्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो अपने दक्षिण भारत की भाषा है, तमिल, तेलुगु, तमिल सबसे पुरानी भाषा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये उस परिवार की भाषा है, लेकिन अभी तक किसी कोई पढ़ ही नहीं पाया तो स्पष्ट कैसे हो। कुछ लोग संस्कृत तो कुछ लोग सुमेरी भाषा से, परंतु इनके पढ़ने में कोई संतोषप्रद नहीं है। लिपि पढ़े जाने के कारण साहित्य में, लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है भाई, हम उनके विचार और विश्वास के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सभ्यता, क्योंकि इनका विचार क्या था, इनका विश्वास क्या था, ये हम नहीं जान पाए हैं आज तक। ये खाते क्या थे, पहनते क्या थे, ये सब कुछ हम जान लें, इसको सभ्यता कहा जाता है। ओके, पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। हड़प्पाइयों के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मिस्रियों और मेसोपोटामिया के हैं। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर हैं और हर एक में 2-4 ही शब्द मिले हैं, कहाँ पर, तो हड़प्पाइयों में। इन मोहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्रात्मक पिक्टोग्राफ हैं। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है हर शब्द के लिए एक चित्र बना देना। जैसे जो मंडारिन भाषा है, चीन की जो भाषा है, उसको भी क्या कहा जाता है, चित्रात्मक लिपि है। वो अपने यहाँ अ लिखते हैं ना, और वो लोग वर्ण नहीं लिखते हैं, वो लोग हर चीज़ के लिए एक भाव बना हुआ है ना, चित्र बना हुआ है। चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पाई लिपि जो है वर्णात्मक नहीं है बल्कि चित्रात्मक है, और मेसोपोटामिया और मिस्र की समकाल लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु यह तो सिंधु प्रकार का आविष्कार है और पश्चिम एशिया की लिपि से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता है, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता को कई बार बोला जाता है कि इतिहासकार, सवाल जो पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ आपको, सवाल पूछा जाता है कि दोनों सभ्यता में क्या क्या समानता थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा और पूछा जाए तो इसको बता कर आइएगा, है ना। लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया होगा। सिंधु क्षेत्र में देखो ये सब मिला है, ये कुबर वाला बैल बना हुआ है मुहर पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये उनका जार है, बहुत ही खूबसूरत तरीके के वो लोग सामान बनाते थे, ये तो मैं आँख से देख चुका हूँ। देखिए, हड़प्पा के नगरवासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदान माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के रूप में बृहत वस्तुएं तो पाई गई हैं, उनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तों का व्यवहार होता था। आप नहीं समझ पाए होंगे बहुत सारे लोग, तो मैं समझाने के लिए हूँ। देखिए, आपने सुना होगा, अपनी दादी से पूछिएगा, 8 गुना 16 गुना और 8 आना 16 आना 32 आना, ये आना वाला सिस्टम चलता था पहले। अभी तो हम लोग दशमलव वाला यूज करते हैं जिसमें 10-10 का होता है, 1 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया 10 20 30 ऐसे चलता है। और पहले कैसे चलता था, 8 आना 16 आना 32 आना, तो 8 आना जैसे 50 पैसा को भी 8 आना बोला जाता था, इसको ध्यान में रखिएगा। और यही वाला सिस्टम कब चलता था, तो हड़प्पा में यही चलता था और आज भी ये चीज़ चलता है। मतलब आज भी से तात्पर्य, हम लोग 8 50 पैसा तो मैंने भी यूज किया है यार, ऐसा थोड़ी ना। 8 आना वाला सिस्टम जो है वो अभी तक भारत में प्रचलित था भाई, 20 साल पहले तक था प्रचलित वो भारत में। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये सिस्टम जो है ये कहाँ से चली आ रही, तो हड़प्पा से ये लिंक्ड है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हड़प्पावासी शतरंज भी खेलते थे, दुनिया में पहला शतरंज का प्रमाण हड़प्पा से ही मिला है हमें, शतरंज वगैरह का। तो इतना पुराना सभ्यता है ये, और वो आज से इंटरलिंक्ड भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640, यही उनका क्या होता था, क्रम होता था माप तौल का। ओके, जिलतस बात तो ये है, 16 के अनुपात का यह परंपरा भारत में आधुनिक काल तक चलती रही है। हाल तक 1 रुपया 16 आने का होता था, अभी मैंने बताया ना, 8 आना बोलते थे किसको, 50 पैसा को 8 आना बोलते थे। 8 आना का भूजा भी खाया हम लोगों ने स्कूल में, सरकारी स्कूल के बाहर मिलता था। 16 आना यानी कि 1 रुपया होता था, 100 पैसा, है ना। ऐसे डंडे पाए गए जिन पर माप के निशान बने हुए हैं। ओके, आगे देखिए क्या बना हुआ है, और इनमें से एक डंडे कांसे का भी है और मृदभांड, हड़प्पा लोग कुम्हार के, मृदभांड होता घड़ा, मिट्टी का बर्तन। ओके, बस भी इसको ध्यान रखना, कुम्हार लोग
ये चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। अनेक प्रकार के बर्तनों पर विभिन्न रंग के चित्रकारी देखने को मिली है। हड़प्पा भांडों पर आमतौर से वृक्ष वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिली हैं। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृति भी दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर बनाते थे भाई। इनका शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर एक अपलोड है, जाकर देखिएगा। बेहतरीन चमक रहा है वो, बिल्कुल मोहरे। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है उनकी मुहर। सबसे अच्छी कलाकृति क्या है तो उनकी मुहर। अब तक लगभग 2000 शिले प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश शिलों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियां भी उकेरी हुई। कहां पर मिले हमें तो मुहरों पर मिली है। प्रतिमाओं पर अब हम लोग आ गए। प्रतिमा में एक नर्तकी की प्रतिमा बड़ा ही फेमस है। हड़प्पाई शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। वो जो मूर्ति है उसके मूर्ति के गले में पड़े हार के अलावा एकदम नग्न है। उसके मूर्ति पर कोई कपड़ा नहीं बना हुआ है, छोटा सा ही है। कितना बोलूँ, एक पेन के आकार की मूर्ति है। मैंने देखा हुआ है, नई दिल्ली म्यूजियम रखा हुआ है वो। और वो मूर्ति बेहतरीन माना जाता है, मुझे तो कहीं से बेहतरीन नहीं लगी। काली कलर की वो मूर्ति थी और वो एक लड़की कमर पर हार डाल के खड़ी है। और लेकिन हाँ, उसका मुद्रा बहुत ही अच्छा है, यानी कि वो जिस पोजीशन में खड़ी है वो बेहतरीन लाजवाब दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है उसमें खड़े होने पर, है ना। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। सेलखीरी की मूर्ति बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसे बालों की चोटी लटे एक बनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई हैं। ये भी एक सेलखेरी की मूर्ति हमें मिली है। टेराकोटा का कई सारे लोगों को मतलब नहीं पता चलता होगा। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। क्या बोला मैंने, पकी हुई मिट्टी के जब कोई चीज़ बनाते तो उसको टेराकोटा नाम दे दिया जाता है। तो टेराकोटा अब आपको दिक्कत नहीं होगा। मृण मूर्तिकाएँ, टेराकोटा फिगरीन। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है की बनी मूर्तिकाएँ मिली हैं। फिगरीन भी इनको कहा जाता है, मूर्तिकाओं का आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाओं को फिगरीन कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में, पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इनमें पशु, कुत्ते, भेड़, बैल, गाय, बैल, बंदर की प्रकृतियाँ मिली हैं। प्रतिकृतियाँ पुरुष व स्त्रियों की प्रतिकृतियाँ भी मिली हैं, जिन्हें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। जहाँ मोहरे और प्रतिमाएँ मंजी दस्ता के साथ बनाई गई हैं, वहीं मृण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृतियाँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है ना। इन दोनों कोटियों के शिल्पों के बीच अंतर है कि वह इनका इस्तेमाल करने वाले वर्गों के बीच में अंतर का सूचक है। थोड़े से महंगे रहे होंगे, हो सकता है धातु की और ये मिट्टी वाले सामान्य लोगों के लिए बने होंगे। आज भी तो आपको खूब महंगे महंगे दिल्ली में एक जगह है आईएनए में हाट लगता है, आईएनए हाट। यहाँ पर एक बार मैं गया था घूमने तो 3-3.5 लाख का लकड़ी के श्रीकृष्ण भगवान की मूर्ति थी यहाँ पर। तो मैंने तो बस देखा, प्रणाम कर लिया उसको। बाकी मैं कह रहा हूँ कि उसको खरीदने वाले भी लोग होते हैं और हम लोग जो घर में छोटी छोटी मूर्तियाँ रखते हैं सस्ते वाले, तो वो भी खरीदने वाले लोग होते हैं। दोनों के क्वालिटी में अंतर होता है, तो वही क्वालिटी में अंतर यहाँ भी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। और द्वितीय कोटि का जनसामान्य में प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पर हमें कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं मिला है, यानी कि धातु कोई बड़ी प्रतिमा हमें यहाँ पर नहीं मिली है और पत्थर वगैरह की कोई बड़ी प्रतिमा हमें यहाँ पर नहीं मिली है। मिस्र मेसोपोटामिया तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ हमें मिली है। अगला टॉपिक है आपका उद्भव, उत्थान और अवसान। एक वीडियो में पूरा समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यकीन मानिए थोड़ा सा कठिन होता है ये, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है ये, है ना। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईस्वी से 1900 ईसा पूर्व के बीच में मिलता है। परिपक्व का मतलब इसमें अपने चरम पर रहा, ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास तक हमें मिलता है। पीछे की तरफ से आते हैं ईसा पूर्व में, फिर 1 ईस्वी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 1, 2, 3 और ईसा पूर्व से हम पीछे की तरफ से आते हैं, ये तो पता होगा आपको। अपने अस्तित्व की पूरी अवधि की मेरा भी यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजार, हथियार और घड़े को प्रयोग करती रही। सारी जीवन पद्धति में एक रूपता बनी रही। वही नगर योजना, मोहरे, मृण मूर्तियाँ और वहीं लंबे लंबे चार्ट फलक दिखाई देते हैं, लेकिन इस अपरिवर्तनीयता पर बहुत अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। हमें मोहनजोदड़ो के मृदभांड कला में समय समय परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति में 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए, लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे छीन हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो धीरे धीरे लुप्त हो गए 1900 तक आते आते, समाप्त हो गए वो शहर, पतन हो गया उनका। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के ये दोनों शहर तो लुप्त हो गए, लेकिन बाकी शहर धीरे धीरे छीन होते गए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रहा। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है, उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। कई हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान में निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में तो हमें मिले हैं। हड़प्पा पूर्व के बस्तियों का, हड़प्पा पूर्व यानी कि हड़प्पा से पहले किसान
उत्तर गुजरात के नागवारा में भी रहते थे, परंतु किस तरह इन देसी बस्तियों से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति उद्भवत हुई इस बात का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। न ही हमें इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस उपमहादेश का हड़प्पाई नगरों के पनपने में किस बाहरी प्रभाव का हाथ था। लेकिन हम ये मानकर हम ये क्यों चाहते हैं कि बाहरी प्रभाव का कोई हाथ दिखे, मुझे ये बताइए। हो सकता है इन्हीं लोगों ने पूरा बिल्ड किया वो सिस्टम, हम जिस चीज़ को नहीं जानते, जरूरी थोड़ी ना कोई बाहरी आदमी ही बना कर गया, ये लोग भी तो बना सकते थे। हो सकता है कि हड़प्पा की शहरी संस्कृति के विकास में मेसोपोटामिया के नगरों से कुछ प्रेरणा मिली हो, बस इन्होंने बोल दिया, अपना एजेंडा इसी को बोलते हैं। आखिरकार में ये बोल ही दिया कि हो सकता है कि हड़प्पा वासियों ने कुछ मेसोपोटामिया वालों से सीखा हो, है ना। और देखिए अगला क्या है कि मेसोपोटामिया के नगर, परंतु हड़प्पा संस्कृति देसी ढंग की थी, इस बात में कोई शंका नहीं है। इसमें कई ऐसे तत्व हैं जिसे पश्चिम एशिया के समकालीन संस्कृतियों से पृथक करते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पद्धति की है, जो मेसोपोटामिया में नहीं है। इसमें सड़कें, नाली, मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था है, सेफ्टी टैंक वगैरह की। दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों में बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिन्हें पक्का स्नानाघर और सीढ़ीदार कुएं वगैरह सब संलग्न हैं, लेकिन आपको ये सब मेसोपोटामिया में नहीं मिलते हैं। पश्चिम एशिया के नगरों में इस तरह की कोई नगर नियोजन नहीं पाई गई, यही सवाल पूछा था यूपीएससी ने। मेसोपोटामिया और हड़प्पा में अंतरों को स्पष्ट करके बताइए हमें। संभवतः कीट द्वीपों के नोसस नगर को छोड़ प्राचीन युग के किसी अन्य नगर में जल निकास का ऐसा उत्तम प्रबंधन देखने को हमें मिलता ही नहीं है। हड़प्पाई लोगों ने पकी ईंटों के इस्तेमाल में जिस कौशल का परिचय दिया, वैसा पश्चिम एशिया वाले भी नहीं दे पाए। हड़प्पाइयों के मृदभांड और उनकी मुहर अपने खास ढंग की हैं, इन पर अंकित पशु मंडल स्थानीय है, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी खास लिपि बनाई, उन्होंने किसी का लिपि कॉपी नहीं किया है, इसीलिए आज तक इनकी हम लिपि नहीं पा रहा है। इनका लिपि अपना डेवलप किया हुआ लिपि है, जिसका कोई मेसोपोटामिया लिपि से कोई साम्य नहीं, कोई समानता ही नहीं है। 100% डिफरेंस है इसमें, और समानता होती अगर तो आज तक हमने पढ़ नहीं लिया होता इनको, आज तक हम इनको पढ़ नहीं पाए, इनक्रिप्ट नहीं कर पाए। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, यानी कि कांसा का युग था। कांसा किससे बनता है आप मुझे बताएंगे जरा। तथापि इसमें कांसे का उपयोग सीमित हुआ है, ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते रहे हैं। अंत में क्या लिखा हुआ है, अंत में हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था, उतना विशाल और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं था। पूरा का पूरा देश बस सकता है आज के दौर में जितने बड़े एरिया में हड़प्पा था। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई, हड़प्पा नगर नगर कितने में फैली हुई है तो 5 किलोमीटर। बिहार का छोटा मोटा जो शहरी एरिया वो 5 किलोमीटर में नहीं होता है, 5 किलोमीटर में एक हड़प्पा शहर फैला हुआ है, आप अंदाज़ लगा सकते हैं। और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंग के बृहत्तम संरचनाओं में आती है ये। अभी तक हड़प्पा जैसा नगर विस्तार अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिला है। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं तो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी टिकी रहीं, हड़प्पा की नगर संस्कृति लगभग उसी समय लुप्त हो गई। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र वर्षा के 3000 ईसा पूर्व के आसपास तनिक सी बारी बढ़ी और फिर इसी पूर्व ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ के भाग में कम हो गई थी। इससे खेती पशुपालन सब कुछ प्रभावित हुआ और धीरे धीरे इसका पतन हो गया, उर्वरता घट गई, रेगिस्तान फैलने लग गया और जो इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण जो मिट्टी कर रही थी उसकी उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो गई। और उर्वरता खत्म होने से क्या होगा, कृषि का पतन होगा, कृषि के पतन से क्या होगा, व्यापार का पतन होगा, व्यापार के पतन से क्या होता है, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक प्रणाली जो बनाई गई है, सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, वो कोलैप्स कर जाएगी। दूसरा मत है कि जमीन धस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाहर का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया होगा, इसका साक्ष्य बहुत ही कम मिलता है हमें। अगला क्या है कि कांस्य युग की इस विशालतम संस्कृति सत्ता के विघटन का परिणाम क्या क्या हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि यह नगर उजड़ जाने से वणिक और शिल्पी लोग देहात की ओर चले गए और वहाँ हड़प्पा के तकनीकी कौशल को फैलाया होगा। तो इसके बाद हड़प्पा के पतन का थोड़ा सा किस्सा है, जो मुख्य रूप से आपसे पीटी और मेंस में नहीं पूछा जाता है। आपके लिए हड़प्पा जो था वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन एक वीडियो में हड़प्पा के सारे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें कहाँ से पाई गई हैं और इसका पीटी फैक्ट तो आपको MCQ के फॉर्मेट में करवा दूंगा। बाकी इस पूरे कहानी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आज के बाद हड़प्पा से संबंधित कोई भी डाउट आपको होगा नहीं। ओके, तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा।